राजस्थान में राजस्थान प्रभारी अजय माकन के इस्तीफे के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। कल यानी 16 नवंबर को राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। 25 सितंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक से नाराज होकर अजय माकन ने ये पद छोड़ने का फैसला किया है। अजय माकन ने अपने लेटर में 4 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में प्रवेश और सरदार शहर में उपचुनाव को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील की है कि वह राजस्थान में नया प्रभारी ढूंढ ले। माकन को भेजा हुआ लेटर सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। उन्होंने पत्र पर लिखा कि वह पिछले 3 पीढ़ियों से कांग्रेस की विचारधाराओं से जुड़े हैं और 40 से अधिक वर्षों से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा राहुल जी के प्रबल अनुयायी बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उन पर बेहद विश्वास है। पत्र में श्री माकन ने कहा कि वह ट्रेड यूनियन और गैर लाभकारी संस्थाओं के माध्यम से दिल्ली में काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और वायु प्रदूषण के मुद्दे को उठाने की योजना बना रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स और झुग्गी वासियों के अधिकार, जिसने उन्होंने केंद्रीय मंत्री का साथ ही एक राज्य मंत्री के रूप में काम किया है, वह उस पर ध्यान देना चाहते हैं। आपको बता दें कि वह सितंबर के अंत में घटनाओं से उस मोड़ से परेशान हुए हैं जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतिम समय में कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए इनकार कर दिया था। श्री गहलोत के प्रति निष्ठावान 90 से अधिक विधायकों ने पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। वो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़े होने वाले राजस्थान में अपने प्रतिनिधि सचिन पायलट द्वारा अशोक गहलोत की जगह लेने की संभावना के विरोध में अपना इस्तीफा सौंपने के बजाय अध्यक्ष के पास चले गए थे। सूत्रों ने कहा कि वह श्री माखन से उम्मीद कर रहे थे कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसने उनके कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी के रूप में पद छोड़ने का फैसला लेने का योगदान दिया। अशोक गहलोत के गुट के एमएलए ने अजय माकन पर आरोप लगाया कि वह पायलट गुट के सदस्य हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में पूरी हलचल शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज 13।